हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम हमारे यहाँ पे क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करेंगे, द सॉलिड स्टेट। इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले सॉलिड के बारे में आप एक बात जानते हैं, मैटर की हमारी मेनली तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं सॉलिड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड जो होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट है, सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सॉलिड होता है हमारा, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए सॉलिड क्या होती है, हमारी रिजिड होती है और इसकी डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये ज्यादातर बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें लिखा है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट पजेस एनी ट्रांसलेटरी मोशंस। यानी सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब एक एक्सिस पे कंटिन्यू मोशन नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो कौन सा मोशन करते हैं, वो मोशन करते हैं वाइब्रेशनल मोशन। यानी वाइब्रेशनल मोशन यानी वो एक ही एक्सिस पे अपनी मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, एक फिक्स पोजीशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लूडिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। यानी सॉलिड जो होती है उसकी फ्लूडिटी बहुत ही कम होती है। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूडिटी का मतलब फ्लो होना। आपने क्लास 11th में फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था फ्लूइड्स क्या होती हैं। तो फ्लूइड्स वो चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं, जैसे लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड जो होती है उसकी नेग्लिजिबल फ्लूडिटी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। और नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड को मेनली हमने दो डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्लासिफाई किया है, जिसमें सबसे पहला है पैकेजिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकेजिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें मेनली हमारे दो तरह के सॉलिड्स आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हमारे चार टाइप के सॉलिड्स आते हैं। पहला आयोनिक सॉलिड, दूसरा मेटेलिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवलेंट सॉलिड एंड लास्ट फोर्थ वन इज मॉलिकुलर सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड्स में। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज सॉलिड्स। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लॉन्ग रेंज सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों लॉन्ग रेंज सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक प्रॉपर मैनर में कंटिन्यूअसली अरेंज रहता है, यानी सेम रेंज काफी आगे तक रहती है, इसलिए ये लॉन्ग रेंज सॉलिड कहलाते हैं। लेकिन अगर हम अमरफस सॉलिड्स की बात करें तो इनको हम शॉर्ट रेंज सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का या पार्टिकल्स का वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। यानी अगर कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे है तो आगे जाके आप देखेंगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, चेंज हो रहा है। शॉर्ट रेंज पर ही, थोड़ी थोड़ी रेंज पर ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को हम शॉर्ट रेंज सॉलिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती है हमारी, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है। यानी शार्प का मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा हर एक सॉलिड का, जिस पर वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड हैविंग डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझिए। डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट जिस पर जो भी आपकी सॉलिड है वो मेल्ट नहीं होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है ना। तो डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट है अमरफस सॉलिड का। यानी एक मेल्टिंग पॉइंट पर आके सबसे पहले अमरफस सॉलिड क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद कहीं जाके मेल्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, देयर नेचर इज एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, एन यानी डिफरेंट,
आइसोट्रॉपिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका जो भी क्रिस्टल है, अगर आप उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। यानी हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी की सेम क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू आएगी, इसलिए हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती है वो एन आइसोट्रॉपिक होती है नेचर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी अमरफस सॉलिड्स की, तो हमारी अमरफस सॉलिड्स जो होती है ये आइसोट्रॉपिक होती है नेचर में, यानी इन्हें हम कहीं से भी मेजर करें, किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दे आर ट्रू सॉलिड्स, यानी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती हैं ये हमारी ट्रू सॉलिड्स होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अमरफस सॉलिड, इसमें दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी जो हमारी अमरफस सॉलिड्स होती हैं ये हमारी सूडो सॉलिड्स होती हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड होती हैं। क्यों होती है सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड? क्योंकि जो हमारी अमरफस सॉलिड होती है उसके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जैसे हमारा ग्लास है, आपने पुरानी इमारतें देखी होंगी, उनमें जो भी कांच की खिड़कियां होती हैं उनमें आप उसके कांच को देखोगे तो वो ऊपर से थिन रहेगा और नीचे से उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्लास एक अमरफस सॉलिड है और वो सुपर कूल्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी वो फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन कटिंग विथ नाइफ दे गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस, यानी जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से कट करते हैं तो वो शार्प एंड स्मूथ एजेस फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें एमरफस सॉलिड की, तो जब भी आप उसको शार्प नाइफ से कट करोगे तो वो डिफ्यूज्ड एंड इररेगुलर एजेस फॉर्म करेगा। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्वार्ट्ज, डायमंड, बोरोन नाइट्राइड जिसको BN बोलते हैं, NaCl, ZnS एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। सेम अमरफस सॉलिड्स के एग्जांपल है हमारे रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस्ड पर हमारी क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले आएगी हमारी आयोनिक सॉलिड। तो आपको याद रखना है आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, यानी आयंस का। तो आयोनिक सॉलिड में जो नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग कोलंबिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोलंबिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है, अलग अलग नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर वेरी हार्ड, ब्रिटल एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आयनिक सॉलिड्स क्या होती है हमारी, बहुत ही हार्ड होती है, ब्रिटल होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है हमारा, आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने में भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी हाई टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, साथ में वो बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O, यानी आयनिक सॉलिड हमारी पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी जैसे बेंजीन हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी मेटलिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड में पहला पॉइंट है हमारा मेटल कोर्स, जिनको हम कर्नल्स भी बोलते हैं, एंड अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेटलिक सॉलिड्स, यानी जो आपका मेटलिक कोर है जिसको इन्होंने कर्नल्स बोला है और जो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है वही मेटलिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब मेटलिक कोर या कर्नल्स होते क्या है तो जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होने के कारण हमने इलेक्ट्रॉन्स को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया है, और पॉजिटिव चार्ज के कम होने के कारण हमने उसको मेटलिक कोर या कर्नल्स बोल दिया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि कर्नल्स क्या होते हैं या मेटलिक कोर क्या होती है,
कैंडल्स और मेटलिक कोर हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, आप जानते हैं मेटल एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्यों है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पर चार्ज मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे मूव कर रहे हैं यानी मोबाइल है, और कर्नल्स यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी प्रॉपर्टीज, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोबाइल सी आप देख रहे हैं, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए मेटल्स की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट सॉलिड्स, तो कोवलेंट सॉलिड जो है हमारा, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, ये भी बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। आप याद रखें कोवलेंट सॉलिड में बहुत सारे नेटवर्क सॉलिड्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे डायमंड, डायमंड एक नेटवर्क सॉलिड है जिसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड, जबकि हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड का हमेशा बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हेल्ड रहते हैं बाय वीक वैन डेर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी जो भी हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से वीक वैन डेर वाल फोर्स से जुड़े रहेंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारी मेनली तीन टाइप्स की होती है। एक पहली है हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरी होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एटम्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन यानी हमारी नोबल गैसेस, और मॉलिक्यूल्स लाइक H2, I2, Cl2 यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेम एटम यूज होता है। अगर मैंने H2 बोला है, I2 बोला है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं HCl बोलता हूँ तो ये हमारा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है HCl। तो आपको पता चला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हमारी नोबल गैसेस और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपस में बॉन्डेड रहेंगे बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स है क्या, तो ये वैन डेर वाल फोर्स के टाइप है और कुछ नहीं है। आपको याद रखना है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है और वीक डिस्पर्जन फोर्स जो है यानी हमारा वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, नहीं एटम्स के बीच में। एटम्स के बीच में हमारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स। तो आपको याद रखना है हमारा वैन डेर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो एंथैल्पी और वेपोराइजेशन होती है, यानी ये बहुत कम अमाउंट की एनर्जी पे ही वेपोराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये वॉलेटाइल इन नेचर, यानी ये अपने नेचर में वॉलेटाइल होते हैं, इनका नेचर वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मीन क्या होता है, तो वॉलेटाइल का मीनिंग होता है जो बहुत जल्दी ही वेपराइज हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आयोडीन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, नेप्थलीन, कैम्फर, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो पोलर मॉलिक्यूल और सॉलिड जो है उसमें आते हैं हमारे पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो आपस में हेल्ड होते हैं टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस भी क्या है, वैन डेर वाल फोर्स है, लेकिन ये लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन है ये वैन डेर वाल फोर्स ही। नेक्स्ट पॉइंट है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कम्पेयर टू लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, जिसकी वजह से जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा।
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होती है, यानी हाई एनर्जी देने पे ये वेपराइज होगा, यानी ज्यादा अमाउंट की हीट देने पर ये वेपराइज होगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है सॉलिड HCl एंड SO2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एज अ पॉजिटिव पोल एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम एज अ नेगेटिव पोल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी एक तीनों में से नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, तब हमारा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली हमारे चार तरह के एलिमेंट्स बनाते हैं। एक हाइड्रोजन जो ऑलवेज पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज होता है और नाइट्रोजन भी नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन अब हमारे मन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो उसमें नेगेटिव चार्ज कौन होगा और पॉजिटिव चार्ज कौन होगा। तो फ्लोरीन नाइट्रोजन की कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो फ्लोरीन नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रोजन पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा। सेम यही चीज ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, फिर भी क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता लेकिन नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसका क्या रीजन है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और हमारा क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्लोरीन का जो साइज होता है वो नाइट्रोजन के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता और इसी कारण खाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में और लैटिस पॉइंट्स के बारे में, यूनिट सेल्स के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।